कहर अब थमने लगा है। देश में संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, साथ ही वायरस से मरने वालों की संख्या में दूसरी लहर के दौरान पहली बार 3000 से कम मामले दर्ज किए गए। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,32,364 नए मामले सामने आए और 2,713 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अनुसार देश में अब तक कुल 2,85,74,350 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3,40,702 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 28,75,286 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22,41,09,448 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी दर 93% पहुंच गई है। हालांकि देश में अब भी सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16,35,993 है। आपको बता दें कि टेस्टिंग में भी तेजी लाई गई है। फिलहाल देश में पॉजिटिविटी दर लगातार 11वें दिन 10% से नीचे दर्ज किया गया। गुरुवार को पॉजिटिविटी दर 6.38% रहा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।